हेलो दोस्तों, आपका हमारे आप ही किचन टेक्निकल करण में स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको एक एलईडी बल्ब जो 9 वाट का है, जो आप देख रहे हो, जो आपको 9 वाट का एलईडी बल्ब दिख रहा है, इसकी मैं आपको आज रिपेयरिंग करना सिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ ख़राब होती है और क्या क्या नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसका ये डिफ्यूज़र ओपन कर लेते हैं। चलो दोस्तों, डिफ्यूज़र ओपन करने के लिए आपको ऐसे इसको पकड़ना है। दोस्तों ये हमारा ओपन हो चुका। ठीक है दोस्तों, ये आप एलईडी देख रहे हो। दोस्तों इसमें लाइन लगा के देख लेते हैं, इसमें जो करंट आ रहा नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमारी एलईडी एकदम ओके है, जो आपको दिख रही होंगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसमें जो इसका ये B22 कैप है, इसको निकाल के दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। ठीक है दोस्तों, हमने इसका B22 कैप ओपन कर लिया है, तो आप इस तरह से आप देख रहे हो, ये अंदर से बिल्कुल जला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। बॉडी से बाहर निकालने के लिए अपन को ऐसा एक सलिया टाइप में आपको लेना होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा हथौड़ी से ठोक लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से ये निकल चुका है। ठीक है दोस्तों, आपको ये दिख रहा है जला हुआ है बहुत ही ज़्यादा, जो जला हुआ आपको दिख रहा है। ठीक दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इसकी ये रिपेयरिंग होगी या नहीं, ये फेंकना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, आपको फेंकना ही पड़ेगा। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ये बहुत ही आसानी से रिपेयरिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी आप देख रहे हो सब ऐसा इसका ये जला हुआ पार्ट्स है, सभी को निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है दोस्तों, ये सभी को निकाल लेते हैं। दोस्तों ऐसे निकाल लेते हैं इसको। दोस्तों इसका फ्यूज का पता ही नहीं है कहाँ है, वो बिल्कुल जल के राख हो चुका है। ये इसका PF है, वो भी जल के राख हो चुका है। ये PF है वो तो इसका पता ही नहीं है, वो जल के एकदम राख हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अभी इसको सब को हटा देते हैं। चलिए दोस्तों, अभी इसको टेस्टिंग कर लेते हैं, ये हमारा जल रहा है नहीं। ठीक है दोस्तों, हमारा ये सीरीज लाइन है, आप दोस्तों ये सीरीज लाइन से ही चेक करें। ठीक है दोस्तों, ये आप देख रहे हो एक इधर और एक इधर, ये जो दोनों आईसी के जो दोनों साइड लगा लेते हैं। दोस्तों ये हमारा एलईडी चालू हो गया है, इसको दोस्तों चाहे तो ऐसे ही चालू कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आगे के लिए ये नहीं ज़्यादा चलेगा, क्योंकि इसमें जो आगे से ये सब फूक जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, हम पहले MOV लगा लेते हैं इसमें एक। ठीक है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से MOV है, इसमें कोई माइनस प्लस नहीं होता है, इसमें कैसे भी कहीं से भी लगा लो। तो इसमें लगा लेते हैं, जो आप देख रहे हो आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा अंधेरा सही नहीं दिख रहा होगा आपको। दोस्तों इसको ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखना सर, नहीं तो आपको ये दिक्कत हो जाएगी एलईडी बल्ब रिपेयरिंग करने में, नहीं तो आप एलईडी रिपेयरिंग नहीं कर पाओगे। ये जो हमारा MOV लग चुका है, इससे क्या होता है कि जैसे ज़्यादा पावर आने के बाद, ये पहले एक यहाँ पे जो ये जो आप फ्यूज देख रहे हो, पहले ये फ्यूज ख़राब होगा, उसके बाद में अपना MOV ख़राब होगा। ठीक है,
दोस्तों अभी इसमें एक पीएफ की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, हमारे पास नया जो पीएफ नहीं है। चलो हम एक इसमें से निकाल लेते हैं। हमारे पास एक ड्राइवर पड़ा है खड़ा, उसमें से निकाल लेते हैं। फ्यूज़ तो मैंने इसको निकाल लिया है, ये थोड़ा बड़ा है, इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी दोस्तों। ये दूसरी सर्किट इसकी देख लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये नहीं लगेगा, इसमें छोटा वाला लगेगा दोस्तों। इसको छोटा वाला भी निकाल लेते हैं इसमें से। दोस्तों ये भी निकाल लिया मैंने। दोस्तों वीडियो हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वीडियो मेरे को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और दोस्तों एक लाइक कर देना, ताकि और नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना, ताकि आपको हर वीडियो हमारी देखने के लिए मिल सके। ठीक है दोस्तों, ये आप देख रहे हो, ये जो सिरा है, इसमें जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पे अपन एक जो पीएफ है इसको लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये मैं थोड़ा तो साफ कर लेते हैं, रंगा लगा हुआ पहले से। ठीक है दोस्तों, इसको लगा लेते हैं। दोस्तों सोल्डर से इसे फोल्ड कर दीजिए। ये अच्छे से इसमें सोल्ड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको इसको अभी जला के दिखा देता हूँ, ये जल रहा है नहीं पीएफ डाल के। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमारा ये बल्ब रेडी हो चुका है। अभी इसमें एक ये मैंने आपको ये फ्यूज बताया था दोस्तों, इसमें एक फ्यूज और लगेगा। ये हमारा बल्ब ये रेडी हो चुका है। दोस्तों इसमें ये फ्यूज लगा लेते हैं, ये आपको दिख रहा है दोस्तों। आपको इसकी वैल्यू दिख रही होगी। ये दोस्तों इसको भी लगा लेते हैं इसमें। ये ना भी लगे दोस्तों तो भी चलेगा, मैंने आपको दिखाई दिया था। ये जो तीनों आइटम हटने के बाद में भी ये जल रहा था, लेकिन दोस्तों ये आप अगर आपके पास हो तो ज़रूर लगा लें, क्योंकि इससे क्या है सिक्योरिटी मिलती है।
दोस्तों हमारा ये एलईडी बल्ब रेडी हो चुका है। अभी इसमें हाउसिंग में डालने के लिए रह गया है। दोस्तों एक बार आपको फिर से जला के दिखा दें। दोस्तों अच्छा जल रहा है, आपको दोस्तों दिख ही रहा होगा, ये अच्छा खासा जलने लगा। जो जला हुआ जो बल्ब था वही एलईडी बल्ब है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो हाउसिंग है जो आप देख रहे हो, अभी हाउसिंग में इसको फंसा देते हैं। दोस्तों हाउसिंग में आप ये देख रहे हो कि इसमें दो लॉक हैं। दोस्तों इसमें ये लॉक में ही जो फंसाएँ, नहीं तो क्या है शॉर्ट होने की दिक्कत रहती है, हमारी सर्किट शॉर्ट हो जाएगी तो फिर आग लग जाएगी इसमें। दोस्तों खतरा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी एक हमको B22 कैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों B22 की एक ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों B22 हमारा ये पहले से था, उसको हम जो साफ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये देख रहे हो इसमें ये पहले का मटेरियल पड़ा है, इसको सब निकाल लेते हैं। ये हमारा वही पुराना वाला B22 कैप है। अब दोस्तों इसमें जो तार फंसाने के लिए इसके जो दोनों होल साफ करने पड़ेंगे। इस तरीके से और इसके साफ कर लेंगे, हमको क्या नया नहीं लगाना पड़ेगा। दोस्तों आप देख रहे हैं अच्छा खासा B22 कैप है हमारा, अच्छा खासा इसमें ये होल हो गए। दोस्तों अभी इसमें फंसा लेते हैं। दोस्तों हमारा ये एलईडी बल्ब तैयार हो चुका है। इसमें ये पीछे B22 कैप में अच्छे से इसको सॉल्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हो अच्छे से ये सॉल्ट हो चुका है। दोस्तों आपको इस पीछे B22 कैप में सॉल्ट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आप सीख जाओगे। अभी दोस्तों हमको एक मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो जो हमारी पंच मशीन है, इससे क्या होगा, ये हमारा ये पीछे का ये B22 कैप है, अभी ये खुल रहा है, हिल रहा है, ये नहीं हिलेगा। ठीक है दोस्तों, अभी इसको मशीन के जरिए आप जो देख रहे हो ये होल है, इसमें ये डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी जो हमारा ये है इसका ये हत्ता, इसको दो बार ठोक देंगे ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एकदम रेडी हो चुका है, आप देख रहे हो। ठीक है दोस्तों, अभी आपको जला के दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, जल रहा है, इसका ये डिफ्यूजर लगा देते हैं। दोस्तों हमारा बल्ब ही रेडी हो चुका है। दोस्तों आप अपने घर पे ही रिपेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको कोई समस्या आए तो आप डिस्प्ले पर नंबर दे देंगे, आप पूछ भी सकते हैं। और दोस्तों अगर आप एलईडी बल्ब का बिजनेस भी करना चाहते हो तो दोस्तों हमसे संपर्क करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।